दोस्तों, हॉलीवुड मूवी की बात की जाए तो उसमें सुपर हीरो मूवीज हमेशा से ट्रेंड में रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फीमेल सुपर हीरो कैप्टन मार्वल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ब्री लार्सन की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। आखिर कैसे बनी ब्री लार्सन अमेरिकन एक्ट्रेस, डायरेक्टर और एक सिंगर। ब्री लार्सन का पूरा नाम ब्रायन सिडोनी टेसोलनियर्स है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1989 को सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इनकी माँ का नाम सिल्वेन डेसोनियर्स और पिता का नाम हीटल डेसोनियर्स है। ब्री लार्सन की माँ और पिता दोनों ही एक होम्योपैथिक कार्योप्रैक्टर्स थे। इनके पिता एक फ्रेंच कैनेडियन हैं और बचपन से ही ब्री लार्सन ने अपनी पहली भाषा के रूप में फ्रेंच भाषा को बताया है। इन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिकन कंसर्वेटरी थिएटर से की। इस जगह पर उनका एडमिशन एक कार्यक्रम के जरिए हुआ, जब वो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑडिशन देने गई थी, जहां वह सबसे कम उम्र की स्टूडेंट के रूप में चुनी गई। पर दुख की बात यह थी कि जब ब्री लार्सन 7 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उस उम्र में यह सदमा उनके लाइफ में काफी दुख लेकर आया, पर किसी तरह वो इन सब बातों से खुद को अलग रखी और अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की। उनके माता पिता के तलाक के बाद उनको काफी गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, जब तक वो खुद एक सफल एक्ट्रेस ना बन गई। उन्होंने अपनी अनुभव का भी जिक्र किया है कि हमारे पास एक गंदे कमरे का अपार्टमेंट था और हमारे पास पहनने के लिए सिर्फ 3 ही कपड़े हुआ करते थे, और उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। ब्री लार्सन बचपन से ही बहुत खूबसूरत रही हैं। उनको पहली बार 1998 में एक टीवी शो में एक बार्बी की भूमिका निभाने का रोल मिला, जिसको उन्होंने बड़ी ही शानदार तरीके से निभाया, और उस टीवी शो का नाम मालिबू मूड स्लाइड बार्बी था। आगे चलकर उन्हें कई और टीवी शोज में काम मिलने लगे। ब्री लार्सन ने 2001 में अपने करियर की शुरुआत कॉमेडियन और एक सिंगर के रूप में करी थी। उनके अंदर म्यूजिक के प्रति आकर्षण शुरू हुआ जब वो महज 11 साल की हुई। आगे चलकर उन्होंने कई सारे म्यूजिक में काम किया और खुद के म्यूजिक एल्बम भी बनाए। उन्होंने डिज्नी के कई कॉमेडी शोज में भी अपनी भूमिका एक कॉमेडियन के तौर पर निभाई है। ब्री लार्सन ने अपना फिल्म में डेब्यू 11 साल की ही उम्र में कर दिया था, जहां उन्होंने मेडिसन नाम की एक फिल्म में एक बच्ची का रोल अदा किया था। फिर आगे चलकर उन्होंने अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू किया और कई टीवी शोज के साथ कई सारी फिल्मों में भी अपनी भूमिका निभाई। ब्री लार्सन ने अपने फिल्मी करियर में अब तक 34 फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई है, पर इनको असल पहचान तब मिली जब इनको कैप्टन मार्वल एक सुपर हीरो मूवी के लिए चुना गया, और इस कैरेक्टर ने उनको पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, और इस कैरेक्टर में लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। कैप्टन मार्वल जो एक मार्वल सुपर हीरो पर आधारित मूवी है, जिसमें ब्री लार्सन कैप्टन मार्वल की भूमिका में दिखी हैं। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई और इस मूवी ने $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर डाली। इसी के साथ ब्री लार्सन कैप्टन मार्वल के किरदार में अवेंजर्स एंड गेम में भी दिखी, और आगे भी हमें ब्री लार्सन मार्वल्स की मूवी में कैप्टन मार्वल्स की भूमिका में देखने को मिलेंगी। इनका फिल्मी करियर काफी शानदार रहा है। इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, एकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जैसे अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ब्री लार्सन एक डायरेक्टर भी हैं। तो ये रही दोस्तों कैप्टन मार्वल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ब्री लार्सन की पूरी लाइफ स्टोरी, आखिर कैसे बनी वो एक कॉमेडियन से एक सफल हॉलीवुड एक्ट्रेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।